338 की सीटों पे कहां कितनी सीटें दोनों गठबंधन लेकर आ पाएंगे बसपा और कांग्रेस के अगेंस्ट में, उसके बारे में बताएं। देखिए, अगर मैं खुद यूपी से हूँ, उसका मैं आपके पास अनुभव शेयर करना चाहूँगा। आप चाय की दुकान पे खड़े हो जाइए जी और चार बार मोदी की तारीफ कर दीजिए जी, तो जो चाय की दुकान पे बैठने वाले जो चाय हैं, जो घरों और मंगरू चच्चा है, जो दुनिया की राजनीति को ये पॉलिटिकल पंडित और बड़े बड़े पत्रकारों को नहीं सुने हैं जी, उनके लिए गरीबी है कि 10 रुपए किलो कर आपको आलू मिलता था, आज 15 रुपए किलो हो गया है। ठीक है, तो वो लोग जब आप उनके बीच में जाएंगे तो इस बात को बताते हैं कि नहीं, इस मुल्क में जो ये तानाशाह हुकूमत है, जो मोदी योगी की हुकूमत चल रही है, वो गलत है। दरअसल मैंने जब कहा था महागठबंधन, तो सपा और बसपा का गठबंधन नहीं बल्कि SC ST OBC का गठबंधन बन चुका है। और ऐसे दौर में एकदम सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि इस बार भाजपा का पूरा सफाया है और कांग्रेस भी एकदम तो सफाया बहुत पहले से हो चुकी है। लेकिन एक दर्द मेरे दिल में है जो जिसके लिए हम लोग भारत बंद का आह्वान किए थे, जिसमें वो भी कारण था, वह है EVM। EVM का दर्द हमारे दिल में है और हमारे नेता जितने हैं बहुजन समाज के, शायद ही ऐसा कोई नेता होगा जो EVM के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया होगा। खुद मैंने अपने भारतीय मूल निवासी संगठन के बैनर तले 108 जिलों से 108 जिलों में ज्ञापन दिया था इसके खिलाफ। तो EVM का एक दर्द है और इस बात को बहन जी खुद भी कह चुकी हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो भाजपा का इस बार सफाया हो जाएगा। और मैं इसी बात को कहना चाहूंगा कि अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ तो यकीनन भाजपा का इस बार सफाया हो जाएगा। सूर्य जी, किस आधार पर बोलते हैं आप कि भाजपा का सफाया हो जाएगा, जबकि देश के अंदर आप कहीं भी देखें तो आपको हर जगह BJP मोदी जी नजर आते हैं, और मीडिया की बात करें तो हर जगह मोदी जी नजर आते हैं। तो इसको आप किस तरीके से बोल सकते हैं कि BJP पूरा साफ हो जाएगा, जबकि आप कहीं भी नजर डालेंगे तो आपको BJP के बैनर होर्डिंग, उनके कार्य, ये सब नजर आएंगे। भाई, उनके पास पैसा है, उनके पास गरीबों का जो गाड़ी कमाई चूसे हैं उसका पैसा है, वो आदिवासियों को जो जल जंगल जमीन छीन करके अदानी अंबानी का महल खड़ा किए हैं उससे शेयर मिलता है जी। तो गली मोहल्ले में हर खंभे पर लटका देंगे मोदी है तो मुमकिन है जी, खूब अपना लटकाएंगे। रही बात मीडिया की, तो मीडिया केवल बिकाऊ नहीं है। जो लोग कहते हैं मीडिया बिकाऊ नहीं, मीडिया किससे बिकेगी भाई, मीडिया तो स्थापित उन्हीं लोगों ने किया है ना, तो मीडिया बिकाऊ नहीं है। जबकि मीडिया ब्राह्मणवादी है, मनुवादी, उसका क्रूअल करैक्टर यही है। और मेरा अपना मानना है कि इस मुल्क में जो जमीन तैयार होती है वो केवल अखबार और टीवी से नहीं होती, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू यही जो जल जंगल जमीन छीन करके जियो दे दनादन चलाए थे, उन्हीं 399 के रिचार्ज पे हम लोग जियो दे दनादन चला करके भारत बंद कर दिया। और आप जैसे पत्रकार हैं, बहुजन समाज के पत्रकार हैं, जो इनका पोल खोल करते रहेंगे, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बाइनरी खड़ी करके भारत का कत्ल करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लोग बोलते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में किसी भी तरह से भाजपा जैसी क्रूर हुकूमत आने वाली है, चूंकि कोई हिंसा नहीं चाहता, न शेड्यूल कास्ट का बंदा हिंसा चाहेगा, न शेड्यूल ट्राइब का, न माइनॉरिटी का, न OBC का, न भारत हिंसा चाहेगा, न पाकिस्तान हिंसा चाहेगा। तो जो लोग इस मुल्क को युद्ध में ढकेल करके अपना बूथ मजबूत करना चाहते हैं, उसके खिलाफ आप जैसे पत्रकार हैं, SM न्यूज जैसे चैनल्स हैं और हम जैसे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये काफ़ी है। और हम लोग, मुझे उम्मीद है कि हम उनकी बैंड बजा करके रहेंगे, उनकी वाट लगा करके रहेंगे, जो लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।